उधमपुर आतंकी हमले में गिरफ्तार आतंकवादी मोहम्मद नवेद के घर तक आज तक पहुंच चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नवेद पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। आज तक संवाददाता हमजा आमिर ने फैसलाबाद में उसके घर को ढूंढ निकाला। नवेद उर्फ कासिम का घर फैसलाबाद के रफीक कॉलोनी के गली नंबर 3 में मौजूद है। पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि घर मोहम्मद याकूब का है, जो नवेद का पिता है। फैसलाबाद के आतंकी नवेद के घर पर पहुंचे आज तक के संवाददाता हमजा आमिर के दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। घर के कमरे की जो बत्तियां पहले से जल रही थी उसे भी बुझा दिया गया। आतंक और आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंकी नवेद के पकड़े जाने के बाद फैसलाबाद में उसके परिवार ने खतरे की आशंका जताई है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में नवेद के पिता मोहम्मद याकूब ने अपनी जान का खतरा बताया है। याकूब ने कहा कि लश्कर और पाकिस्तान की फौज उनके पीछे पड़ी है और वो उन्हें मार डालेगी। याकूब ने खुद को एक हमलावर का बदनसीब बाप बताया है। लश्कर आतंकी नवेद को आगे की पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया है। दूसरे दिन पूछताछ में नवेद ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नवेद ने कहा है कि वो करीब 18 महीने पहले लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा और पाक अधिकृत कश्मीर में उसने ट्रेनिंग हासिल की, जहां उसे AK-47 चलाना, हैंड ग्रेनेड फेंकना और GPS के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। भारतीय अधिकारियों से पूछताछ में आतंकी नवेद ने यह भी कहा कि उसके साथ 3 और आतंकियों ने LOC पार किया है। एक नवीन मारा गया, जबकि ओकाशा और मोहम्मद भाई अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं और कभी भी जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। पिछले 2 महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकी नवेद ने जमकर मस्ती करने की बात कबूली है। नवेद ने कहा कि 5 अगस्त को उधमपुर में BSF की टुकड़ी पर हमले से पहले भी उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। नवेद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के भीतर पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों की बड़ी तादाद मौजूद है। संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र और विपक्ष में गतिरोध अभी भी बरकरार है। सदन में इसी अड़चन को खत्म करने के लिए आज BJP कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वरिष्ठ मंत्रियों से मंत्रणा करेंगे। वक्त 10:30 का तय किया गया है। ललित मोदी मामले और व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ में कांग्रेस के दूसरे सांसद भी मौजूद रहेंगे। पटना साहिब से BJP सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से पार्टी को पशुपेश में डाल दिया है। दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनके कामों की जमकर तारीफ की। दिल्ली की राजनीति में BJP और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही तीखी जंग के बीच शत्रुघ्न की मुलाकात निश्चित तौर पर BJP की फजीहत बढ़ाने वाली है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। आप विधायक सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने NDMC के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की है। अस्पताल में कर्मचारी गंभीर अवस्था में है। आप MLA के खिलाफ पहले ही आपराधिक केस दर्ज हो चुका है। हालांकि सुरेंद्र सिंह ने आज तक सफाई में कहा है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है। दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार फिर से आमने सामने है। दिल्ली में सर्किल रेट निर्धारित करने के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने 21 जुलाई का एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिल्ली सरकार के बदले उपयुक्त सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है। पिछला नोटिफिकेशन अक्टूबर 2014 में ही जारी किया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। BJP अध्यक्ष अमित शाह ने चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। अमित शाह ने सभा में मौजूद लोगों से तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु भारत के विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक इसकी क्षमता पूरी तरह से सामने नहीं आ सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई का दौरा करेंगे। चेन्नई में मोदी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का ऐलान करेंगे और ब्रांड इंडिया हैंडलूम को लॉन्च करेंगे। आज के ही दिन 1950 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। माना जा रहा है कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से उनके घर पर मुलाकात कर सकते हैं। 9 अगस्त को बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। उसी दिन नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया है, लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। झारखंड से बिहार की ओर आने वाली गाड़ियों और लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सुर्खियों में आए बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने विवादित बयान दिया है। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन करने आए सुरेश राणा ने कहा कि जो इस देश में आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उनकी तुलना भी आतंकवादियों से ही होनी चाहिए। सुरेश राणा ने कहा कि इस प्रदेश में आजम खान जिहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो देश के अंदर जिहादी पैदा करने का काम कर रहा है वो संसद में बैठा ओवैसी कर रहा है। बिहार में विधानसभा में निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि ने जमकर हंगामा किया। डेहरी से विधायक ज्योति रश्मि लंबे वक्त से राज्य में शराबबंदी की मांग कर रही थी। जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तब ज्योति रश्मि ने बवाल काटा। आखिरकार मार्शल की मदद से उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर हमले में शहीद हुए बीएसएफ के जवान रॉकी का आज हरियाणा में उनके पैतृक गांव रामगढ़ का माजरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद रॉकी के पार्थिव शरीर को उधमपुर से यमुनानगर लाया गया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान मोहन बोरो का पार्थिव शरीर भी असम के बोंगाईगांव जिले में लाया गया। शहीद को सेना, पुलिस और लोगों ने आखिरी सलामी दी। राधे मां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। राधे मां के खिलाफ मुंबई की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने ना तो राधे मां और ना ही अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। राधे मां के विदेश भागने की फिराक में होने की खबरों के बीच पुलिस ने राधे मां के बंगले के आसपास गश्त बढ़ा दी है। विवादों में आई राधे मां का नया वीडियो सामने आने के बाद नासिक के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। नासिक के कुंभ में आए संतों ने कहा है कि इस तरह की हरकतों का निषेध किया जाना चाहिए क्योंकि इससे साधु समाज की छवि खराब होती है। हालांकि राधे मां के लिए भजन गाने वाले अनूप जलोटा ने उनका बचाव किया है और कहा है कि आरोप तो गुरु नानक देव जी पर भी लगे थे। दिल्ली के गांधीनगर के बिट्टू प्रॉपर्टी डीलर और गारमेंट्स का काम करने वाले बिट्टू भाई अब बन गए हैं गोल्डन बाबा। बाबा को जूना अखाड़े से महंत की उपाधि मिल गई है। बिट्टू भाई उर्फ गोल्डन बाबा जहां भी जा रहे हैं बदन पर लदे 11 किलो सोने को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। दिल्ली में ऑपरेशन मजनू शुरू किया गया है। पूर्वी दिल्ली के सभी थानों में ऑपरेशन मजनू को शुरू किया गया और पहले दिन पुलिस ने 220 से ज्यादा मजनुओं को पकड़ा। घरवालों की मौजूदगी में एनजीओ के माध्यम से सभी को समझाने की कोशिश की गई, उसके बाद उनके लड़कों को छोड़ा गया। उधर दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शिष्टाचार के दौरान पकड़े गए मंचलों को सुधारने के लिए पुलिस ने लगाई उनकी क्लास। मध्य दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 50 मंचलों को पुलिस ने महिलाओं से बदसलूकी और छेड़खानी करते हुए पकड़ा। पुलिस ने इन्हें अलग अलग धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे अच्छा बनने की शिक्षा दिलवाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दो युवकों को टोंस नदी की तेज धारा से बचाया गया। देहरादून पुलिस ने दोनों युवकों को काफी देर की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। शहर और ऊपरी इलाकों में महज 5 घंटे की बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से दोनों युवक नदी में फंस गए थे। शिमला के छराबाड़ा में अपने निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने फिर प्रियंका वाड्रा पहुंची शिमला। इंजीनियरों के साथ मकान को लेकर प्रियंका ने चर्चा की। हालांकि प्रियंका का यह निजी दौरा था और इस दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया था। यूपी के गोंडा में 15 साल के एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 लड़कों पर बलात्कार का आरोप है। फिलहाल सभी फरार हैं। घटना मोतीगंज थाना क्षेत्र की है। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो सुबह खेतों की ओर गई थी। लखनऊ से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच में सेना की भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे युवकों और यात्रियों में सीट के विवाद को लेकर झड़प हो गई। यात्री कर्नेलगंज के रहने वाले थे और ट्रेन के कर्नेलगंज पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। ट्रेन जब गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची तो आक्रोशित युवकों ने नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों से लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करता था। ये गैंग पहले लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता था और फिर किसी सुनसान जगह ले जाकर उनसे चाकू और बंदूक की नोक पर लूटपाट करता था। पुलिस ने इस गैंग के 3 छात्र लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दबंगों की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दुकान खाली कराने के लिए व्यस्त बाजार में ही कई दर्जन राउंड फायरिंग की गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। घटनास्थल से पुलिस चौकी मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दबंग फायरिंग करते हुए भाग गए।
पुलिस हथियारों की तलाश में लगी है। आरोप है कि सभी आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी नेताओं से हैं। पुणे के एफटीटीआई के 3 छात्रों पर संस्थान के ही एक पूर्व शख्स की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र के मुताबिक 5 अगस्त की रात को वो एफटीटीआई हॉस्टल में अपने दोस्त से मिलने पहुंचा था, लेकिन वहां एक कमरे में मौजूद 3 छात्रों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। टीम इंडिया और श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के बीच प्रैक्टिस मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 314 रन बनाए। भारत की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने नाबाद शतक लगाया, तो वहीं शिखर धवन ने 62, केएल राहुल ने 43 और चेतेश्वर पुजारा ने 42 रन बनाए। कप्तान कोहली का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वो 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एशियाई सीरीज के 4th टेस्ट के पहले ही दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को महज 60 रनों पर ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क एक बार फिर नाकाम रहे और महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 15 रन देकर 8 विकेट हासिल किए। ब्रॉड ने 19 गेंदों के अंदर 5 विकेट लेकर रिकॉर्ड की बराबरी भी की। स्टीफिन और मार्क वुड को भी 1-1 विकेट मिला। सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 274 रन बना लिए। जो रूट ने नाबाद शतक लगाया। रूट 158 गेंदों में 124 रन बनाकर अब भी क्रीज पर मौजूद है। रूट के अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 74 रन की पारी खेली, तो वहीं कप्तान कुक ने 43 रन बनाए। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 214 रन की बढ़त हासिल है और उसके 6 विकेट अभी बाकी हैं।